हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये न्यूज सुनो तो जरा, पप्पू यादव ऑन लॉरेंस बिश्नोई, वो मुझे मार देगा, खौफ में पप्पू यादव, अमित शाह। मतलब वो अमित शाह के पास में चला गया कि मुझे बचाओ, मुझे सिक्योरिटी दो। हैं, सलमान खान को भी सिक्योरिटी चाहिए, अभी पप्पू यादव को भी चाहिए, अभी वो कौन है, वो नदीम खान भी था, उसका अगला नंबर है क्या? तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी दी गई है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। ओह, देखा, चिट्ठी लिखी है, ईमेल लिखी है, चिट्ठी लिखी होगी, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। डाला जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दो टके का गैंगस्टर बताने वाले पप्पू यादव, कानून की अनुमति से 24 घंटे में उसकी गैंग को खत्म करने का दावा करने वाले पप्पू यादव अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए हैं। पप्पू यादव को अब लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है, और ये धमकी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी गई है। धमकी भरी कॉल भी की गई है। इस कॉल को पप्पू यादव के पीए ने रिसीव किया और कॉल पर सीधा सीधा धमकी दी गई। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। जी जी, पप्पू यादव जी जी, एमपी साहब के, बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। तो पप्पू यादव की फोटो लग रही है वो पीछे शीशे में, तो वही लग रहा है, देखना इसमें फोन में आ रही है उसकी। मैं एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं, वही नहीं लग रहा कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। तो और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने हैं, मेरे हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं, पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। पप्पू यादव को फोन करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने कहा कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उसके भाई के पास है, ये कॉल यूएई से किया गया था। कई व्हाट्सएप मैसेज भी किए गए जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की फोटो मैसेज में भेजी गई। इसके अलावा एक फेसबुक पोस्ट भी की गई। ये धमकी मयंक सिंह की तरफ से दी गई, जो झारखंड के जेल में बंद गैंगस्टर अमन का करीबी है। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को पोस्ट किया गया था। पोस्ट में लिखा था कि समाचार पत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन द्वारा लॉरेंस भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। गैंगस्टर के करीबी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। पप्पू यादव ने इसकी शिकायत पूर्णिया रेंज के डीआईजी, एसपी के अलावा डीजीपी को भी शिकायत की है। यही नहीं, जेल में रहने के दौरान जैमर बंद करके उसने पप्पू यादव को वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। दरअसल एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव को धमकी मिल रही है, और ये धमकियां तब और बढ़ गई जब वो मुंबई में जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे मिले। सर, मैं मिलूंगा फिर लौट
दोनों ही मोटे मोटे। इससे देखा? पहले बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट किया था और कहा था कि मुंबई जा रहा हूँ। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर वो भड़के भी थे। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सबसे सवाल नहीं होगा। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता बाबर सिद्दीकी की कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 12 अक्टूबर को मुंबई में हत्या कर दी थी। बाबर सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उसके बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को खत्म करने की बात की थी और लॉरेंस को 2% का गुंडा कह दिया था और कहा था कि अगर उन्हें खुली छूट मिले तो 24 घंटे में पूरे गैंग को खत्म कर देंगे। इसके अलावा पप्पू यादव जब मुंबई गए थे तब वो सलमान से भी मिलना चाहते थे, लेकिन सलमान के मुंबई में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर भी इसके बारे में लिखा था, जिसके बाद से ही उनको धमकियां मिल रही थी और अब धमकी देकर उन्हें सलमान खान के मामले से दूर रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इससे पता चल रहा है पप्पू यादव बार बार जो है लॉरेंस को भड़का रहा था, उसको कर रहा था, उसको छेड़ रहा था। देखो पहले तो उसने वो लिख दिया कि तो 2% का वो और मैं तो इतने घंटे में इनको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद ये गया है बाबा सिद्दीकी के बेटे से खास मिलने मुंबई गया, वहाँ उसने ये भी कोशिश की कि मैं सलमान खान से भी मिलूं। उसके बाद आने के बाद मुंबई से फिर उसने ट्वीट किया कि मैं काम कर रहा, हाँ सारे काम कर रहा है। तो उसके बाद यही उसको उसका सारे उल्टे काम किए उसने, मतलब बार बार भड़का रहा है उनको, उनको छेड़ रहा है। तो अब जब इनको कॉल आई, अब ये भागा गया है, अब ये अमित शाह को मतलब इससे पता चलता है कि पहले जो है शूटर कॉल करता है लॉरेंस का, वो समझाता है, बताता है, फिर बोलता है कि लॉरेंस से ही बात कर रहता हूँ। इस तरीके से वो करते हैं, पूरा समझाते हैं कि ऐसा मत करो। नहीं, ये चालू कितना बन रहा था, ये बोल रहा था कि ये पॉलर उसका जो भी था, मुझे तो ये तो कह रहे हैं ना कि उसका वो क्या बोल रहे हैं पीए ने उठाया है। मुझे तो फोटो जो थोड़ा सा स्क्रीन पे शक्ल आ रही थी, मुझे तो इसी टाइप की लग रही थी वो शक्ल, देख के बताना आप लोग ध्यान से कि भैया ये खुद ही बोल रहा था क्या, नाम अपना बोल के नाम बदल के कि मैं तो पीए बोल रहा हूं। और वो ये बोल रहे पॉलिटिक्स है जी, पॉलिटिक्स में मतलब वो कह रहा था कि ऐसे वैसे बोलना पड़ता है। उसने कहा हम पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, सोच समझ के बोला करो। ऑर्गेनाइज्ड है, फोन आया तो एक बंदा इस सब चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा है। हाँ, उसने फोन आया तो पहले फोन उठाने से पहले एक बंदा रिकॉर्डिंग चालू कर दिया इन्होंने। तो मतलब कितने शाब्दे रहे हैं तो पहले ये किसी पप्पू यादव का लोग। तो जब फोन आता है तो पहले एक बंदा रिकॉर्डिंग ऑन करता है पीए वाला, फिर दूसरा उससे करता है उसकी वॉइस रिकॉर्ड करता है, उसकी वॉइस स्पीकर फोन पे करके रिकॉर्ड करता है, उठा के सारा कमाल है कि ये हमें मिली है। हाँ, अगला बंदा भी पूरे अपने प्रूफ ले रहा है, देखो हम कर ले प्रूफ। लॉरेंस और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जितना ये करेंगे उतना ही पंगा होगा। उसने बोला तो है कि हमें भी पता है हमें क्या करना है, धमकी तो इनडायरेक्टली वो वार्निंग तो दे ही दी उन्होंने कि हमें अब सुधर जाओ, नहीं तो हमें पता है हमें क्या करना है। तो इससे बड़ा क्या है, अभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा अब यही जाने, पर ये तो जिस तरह से हरकतें कर रहा है ऑब्वियसली ये तो वो हरकत कर रहा है आ बैल मुझे मार। देखना है कि क्या इसका इम्पैक्ट नदीम पे होता है नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो भी वो तो पाकिस्तानियों के पास जाके बातें कर रहा है, अपना पूरा रिवर्स गियर में गया। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।